ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लोगों ने डिज़ाइन की और मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ हम लोग खुद कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी बल्कल चल रहे हैं वो सारे चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से इम्पोर्ट लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम लोगों ने। वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तानी ट्रक। आज मैं आया हूँ अलजसर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्कशॉप, जहाँ पर हम आज आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं एक बल्कर का। अलजसर जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है, जिसका हम आज आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं। ये एक सीमेंट बल्कर है जो सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह के बल्कर पहले पाकिस्तानी लोग बाहर से इम्पोर्ट करते थे अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, और ये कंपनीज हमें ये सहूलत प्रोवाइड कर रही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ये बल्कर पाकिस्तान में ही तैयार हो रहे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। ये कंपनी इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे बल्कर सेल कर चुकी है और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान में भी इन्होंने दो बल्कर एक्सपोर्ट करवाए हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए बात करते हैं भाई वसीम से। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बल्कर की स्पेक्स के बारे में। इसकी कैपेसिटी 55 टन है। ठीक है, ये हम लोकल मार्केट के लिए और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बना रहे हैं। ठीक हो गया, ये भी हमने पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू किए हैं। इससे पहले ये चाइना से इंपोर्ट होके आते थे, और ये जो चाइना से बल्कर इंपोर्ट होके आता है वो नॉर्मल मटेरियल MS का 36 होता है। ठीक है, थिकनेस इसकी 3 से 4 mm होती है। ठीक हो गया। उसके कंपैरेटिवली हमने जो ये डिज़ाइन के इसको बॉयलर ग्रेड के साथ और थिकनेस इसकी 8 mm। ये बॉयलर ग्रेड का फ़ायदा क्या होता है, और जो थिकनेस की आप बात कर रहे हैं ये 8 mm का बना हुआ है अगर सादा अल्फाज में कहें, और जो चाइना से इम्पोर्ट होता है वो 3 mm के लगभग होता है। जी जी, ऐसे ही है। ठीक हो गया। इसके मतलब इसका ये है कि इसकी लाइफ टाइम उससे ज़्यादा है। ठीक हो गया। स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा है, ये प्रेशर वेसल है और रेगुलरली ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं रोड के ऊपर, तो रोड सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, प्रेशर भी होता और इस पर ये जो आपकी बात काट रहा हूँ इस पर जो मटेरियल लगा हुआ है, जो शीट्स लगी हुई है, इसके रेट में क्या डिफरेंस होगा जो नॉर्मल है और जो ये आपने इसमें स्पेशल किस्म का लगाया हुआ है इंपोर्टेड? नॉर्मली अगर आजकल की बात करें तो नॉर्मल जो रेट चल रहा है वो 200 kg है। ठीक है, और ये तकरीबन 325। ठीक हो गया। इस बल्कर की आजकल की डेट में प्राइस क्या होगी अगर कोई तैयार करवाना चाहे, अगर यही कोई फॉर सेल अगर है, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो? ये सर अभी इन स्टॉक में है, ये तो आप लोगों को 58 या 60 लाख का मिल जाएगा। ठीक हो गया। अगर नेक्स्ट जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से जो क्लाइंट आएगा, अगर हमारी रेफरेंस से कोई क्लाइंट आएगा डिस्काउंट होगा उनके लिए? अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है तो उस पर डिस्काउंट हो जाएगा, 55 तक का कर देंगे। अच्छा, ठीक हो गया। मजीद आ जाए ज़रा और भी हमें इसके स्पेक्स बताएं। इस बल्कर का खाली वजन कितना होगा? इस बर्गर का सर खाली या टीयर वेट जो है वो 12 से 13 टन है। ठीक हो गया। और ये नॉर्मली जो है कैपेसिटी के हिसाब से 8 टन से लेकर 14 टन के दरमियान होता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? चेसिस माउंटेड है, उससे 20 टन से लेकर 100 टन तक हम बनाते हैं। ठीक हो गया। 30 टन के बाद जो है वो चेसिस माउंटेड होता है, उसके बाद वाला 30 टन के बाद 40 है, 50 है, 55 है, 60 है, 70 है, 100 टन तक वो प्राइम मूवर के साथ होता है, 55 टन है। और इसकी प्राइस भी आपने 55 बताई है, वो भी अगर पाकिस्तानी ट्रक के रेफरेंस से कोई आएगा। और इसके अलावा जनरेटर के बारे में बताएं। इसका 48 किलोवाट का। ठीक हो गया। और बुहाई का कंप्रेसर है, कैपेसिटी इसकी 12 क्यूबिक मीटर पर मिनट इसकी कैपेसिटी है एयर की। ठीक हो गया। जिससे आपका ये जो बल्कर है 55 टन का, ये 40 से 45 मिनट 50 मिनट में खाली हो गया। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड के बारे में बताएं इसके। इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो है वो एजमी का है, अमेरिकन का जो स्टैंडर्ड है, एजमी सेक्शन 8 डिवीज़न 1 के मुताबिक इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है। और उसके रिक्वायर्ड जितनी इसकी टेस्टिंग है NDT की, वेल्डिंग की, MPI की, और साथ इसका प्रेशर टेस्ट, वो सारा हम थर्ड पार्टी से विटनेस करवा के देते हैं। अच्छा, मतलब आप इसको कह सकते हैं ये पूरा सर्टिफाइड और टेस्टेड वेसल है जो आप सेफ हैंड के ऊपर इसको रोड पे चला सकते हैं। चूंकि अलजसर मल्टीनेशनल कंपनीज में आती है पाकिस्तान की, तो क्या आपने बाहर के ममालिक में भी अपने बल्कर एक्सपोर्ट किए हैं? ये एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये ईरान में भी गए हुए हैं। ठीक है। यमन को भी किया गया हुआ है, 2 पीस हमारे। ठीक हो गया। और इस तरह जैसे क्लाइंट की रिक्वायर्ड चलता रहता है मल्टीनेशनल के साथ भी। ठीक हो। ये इसकी एयर की पाइपलाइन है जो कंप्रेसर से एयर जो वेसल के अंदर लेके जाते हैं इसको। ये सीमलेस पाइप है, A106 इसका ग्रेड है, शेड्यूल इसका थिकनेस का जो है वो 40 है। ठीक हो गया। और ये भी लड़के इस पर काम कर रहे हैं, ये क्या फॉर सेल है बल्कर या किसी के ऑर्डर पर ये बना रहे हैं? ये फॉर सेल है, ऑर्डर के बाद। अगर ऑर्डर आता है तो इसके एक्सल बाद में आप लगाते हैं या इस पे काम जारी है, ये क्या सीन है जरा समझाएं? वो है अभी ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है। अच्छा। बाकी उसका ऊपर का सारा काम हो गया, नीचे सस्पेंशन का और एक्सल का रह गया। ठीक है। वो रिक्वायरमेंट पे बनाते हैं या आप खुद से मतलब लगा देते हैं?
नहीं, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, वो लगवा देते हैं जैसे क्लाइंट के। ठीक हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो दोस्त भी इस बल्कर को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं।